नाइस टू मीट यू। आज हम लोग सब क्लास 9 से सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ग्रामर है, ये आपका वीडियो क्लिप 9 है। एक छोटा सा हम लोग कंसेप्ट स्टडीज करेंगे। छोटे से कंसेप्ट में आपको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वॉइस के बारे में। वॉइस का अर्थ होता है वाच, वाच का तात्पर्य होता है आवाज। आवाज को क्या कहा जाता है? वॉइस कहा जाता है। 7-8 क्लास में आप लोग डिफिनेशन टर्म जानते ही होंगे वॉइस के बारे में, आई उसके हम लोग टाइप फॉर्म के बारे में स्टडीज करते हैं। तो जनरली जो है वॉइस दो ही होते हैं, एक आपका होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा आपका होता है पैसिव वॉइस। लेकिन हम लोग हायर स्टडीज करते हैं, हायर क्लास का स्टडीज करते हैं, तो उसमें टाइप्स ऑफ वॉइस में जो है वॉइस के थ्री टाइप में, वॉइस को थ्री टाइप्स में कन्वर्ट किया गया है। थ्री टाइप्स ऑफ वॉइस, पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस, दूसरा आपका है पैसिव वॉइस और थर्ड आपका होता है मिड वॉइस। मिड वॉइस में क्या होता है, इसमें एक्टिव और पैसिव दोनों वॉइस के प्रॉपर्टी को कनेक्ट कर एक नया टाइप बनाते हैं, उसी को हम लोग मिड वॉइस का नाम देते हैं। फिलहाल अभी आपको स्टडीज करना है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में। तो वॉइस को स्टडीज करने के लिए इसके रूल्स को समझना होगा। वॉइस में आपको जनरली दो ही रूल होते हैं, जनरल रूल और स्पेशल रूल्स। लेकिन हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वॉइस का, इसमें आपको थ्री रूल सीखना है। एक आपको जो है जनरल रूल के बारे में, दूसरा आपका स्पेशल रूल के बारे में और तीसरा आपका मास्टर रूल के बारे में। मास्टर रूल जो है कॉम्पिटेटिव है, आपको कंपटीशन की तैयारी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। फिलहाल हम लोग विस्तृत रूप से डिस्कस करेंगे जनरल रूल और स्पेशल रूल के बारे में। तो रूल्स फॉर वॉइस में थ्री फॉर्म्स बताए गए, एक जनरल रूल, दूसरा आपका स्पेशल रूल और तीसरा आपका मास्टर रूल है। वॉइस का विलेन, वॉइस का नाइट और खलनायक दोनों जो है बी फॉर्मेशन से गाइड होता है। बी भी एक वर्ब है, इसी पर सारा खेल वॉइस का डिपेंडेंट है। बी का अर्थ होता है होना, होना लगना। तो बी फॉर्मेशन जो है प्रेजेंट में तीन होते हैं, एक आपका ईच, दूसरा ए और तीसरा आपका आर। ये प्रेजेंट का बी फॉर्मेशन है। और पास्ट का बी फॉर्मेशन जो है दो रूपों में होता है, एक आपका वाज होता है, दूसरा आपका वर होता है। अब हम लोग सीखेंगे जनरल रूल के बारे में कि जनरल रूल कितने होते हैं। देखेंगे जनरल रूल के बारे में, तो जनरल रूल चार होते हैं। चारों जनरल रूल को ध्यान से समझें। पहला ये होता है कि सब्जेक्ट चेंजेज इंटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंजेज इंटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है जनरल रूल है कि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट हम लोग बदलते हैं उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू चेंजिंग सब्जेक्ट वी डिसाइड एग्जिलरी वर्ब। बदले हुए सब्जेक्ट के अनुसार जो है, कर्ता के अनुसार जो है, हम लोग जो है एग्जिलरी वर्ब का डिसीजन लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब का डिसीजन लेते हैं, सहायक क्रिया का। तीसरा जनरल रूल आपका है कि मेन वर्ब अर्थात भी वर्ब चेंज इंटू पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किसको कहा जाता है? वी थ्री। तो मेन वर्ब जो है वी वन वह चेंज हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल में, वी थ्री में। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, बिफोर चेंजिंग ऑब्जेक्ट वी यूज बाई प्रीपोजिशन। बदले हुए ऑब्जेक्ट के पहले जो है हम लोग वह बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। एक एक्टिव में एग्जाम्पल दिया गया कि ही एक समय वॉइस बनाने के लिए तीन चीज का होना जरूरी है, सब्जेक्ट का, वर्ब का, ऑब्जेक्ट का। इन तीनों में से कोई भी एक कम रहेगा वॉइस पॉसिबल नहीं होगा। ये वर्मा विष्णु महेश है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो यहाँ ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, विष्णु जो है वर्ब भी फाइव है और ए मैंगो जो है आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंगो जो है ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी आम कितना है, एक है, ए मैंगो के अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब आपका हीरोइंग वर्ब जो है ईच देगा, सिंगल, क्योंकि सिंगल सब्जेक्ट है, सिंगल नाउन है, ए मैंगो ईच। और मेन वर्ब को भी थ्री में कन्वर्ट कर देंगे, यानी ईट का भी थ्री क्या हो जाएगा, ईटे। और उसके बाद जो है ई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, डी। और बदले हुए ऑब्जेक्ट के पहले हम लोग जो है बाई प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ये जो था आपका इंट्रोडक्टरी टर्म ऑफ वॉइस था। कल आपको बताया जाएगा जनरल रूल में, सबसे पहले हम लोग जो है जनरल रूल में हम लोग को टेंस सीखना है और स्पेशल रूल में हम लोग को सेंटेंस का फॉर्म देखना है। तो कल आपको टेंस के बारे में दिखाया जाएगा। देखेंगे केस के बारे में, केस का अर्थ होता है कारक। वॉइस में केस का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे केस तो बहुत सारे होते हैं लेकिन वॉइस में दो केस को सीखना है, एक सब्जेक्टिव जिसको नोमिनेटिव के नाम से जानते हैं और दूसरा आपको ऑब्जेक्टिव केस के बारे में सीखना है। तो
तो आई आपका सब्जेक्टिव है, आई का ऑब्जेक्टिव नी होता है, वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव यू नहीं होता है, ही का हिम होता है, सी का आर होता है, इट का इट होता है, दे का देन होता है। ये सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को आप याद रखेंगे कि किसका सब्जेक्टिव और किसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा। होमवर्क में जो भी आपको पढ़ाया गया उसको घर से आप लोग अंडरस्टैंड करके आएंगे। दैट्स ऑल, थैंक्स, नाइस मीटिंग यू, गुड डे टू ऑल ऑफ यू।